लेकुम नाजरीन मैं थोड़ी होस्ट बुशा सिमापे अपने प्रोग्राम साढ़े मेहमान के नाल एक बार फिर हाज़िर है नाजरीन तो को पता है ये प्रोग्राम असा तोड़ा तारुक मुफलिक शख्सियात करवाएं ने अजो मेहमान शख्सियत है उन्होंने बहुत व्डा नाम है वह बहुत व्डे मदरस शायर मुसनिफ़ अदीब कलम निगार मुसविर हैं अज असा प्रोफेसर अरवर जमाल की रिहाइशाह बार मौजूद हैं चलो नाजरीन अंदर चलते हैं तो उन्होंने गलबात करेंगे

मेरे वालद साहब वहाँ उस्ताद थे टीचर थे मुख्तलिफ जिलों में मुख्तलिफ तहसीलों में और यम अप्रैल उन्नीस सौ सैंतालीस को तो मैं पाँच छः माह का था जब पार्टीशन हुई तो हम फिर यहाँ मुल्तान में आ गए कुछ मेरे अजीज़ लाहौर में रुक गए और हम लोग यहाँ आ गए और फिर यहाँ एक महल्ला है दिल्ली गेट आगापुरा उसमें हमें मकान अलाट हुआ तो वहीं पर प्राइमरी एक मदरसा है आ, एम बी प्राइमरी स्कूल, उसी में मैंने प्राइमरी जमात पास की और फिर यहाँ दौलत गेट में एक हाई स्कूल है बड़ा मशहूर हाई स्कूल है आ, इस्लामिया हाई स्कूल आम खास बाग वहीं से मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया तो उसके बाद फिर लाहौर चले गए मुख्त्य इदारों में पढ़ते रहे लाहौर बहुत देर में रहा सर्विस भी वहाँ करता रहा बड़ी देर और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में चले गए वहाँ से एम उर्दू किया एम एजुकेशन किया एम एजुकेशन के बाद मेरी जो एकेडमिक तालीम है वो तो वहाँ पूरी हो गई उसके बाद फिर सर्विस का सिलसिला शुरू हो गया तो यूँ फिर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मैं टीचिंग में रहा प्रोफेसर रहा मरे कॉलेज सियालकोट रहा खानबार रहा मुल्तान तेईस साल तकरीबन मैं सिविल लाइन कॉलेज में रहा लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर प्रिंसिपल तो सारे अहदे मतलब यहीं मैंने गुजारा और यहीं से मैंने रिटायर हुआ मार्च इकतीस uh, मार्च को कौन सी दारे से आपने का किया था? Uh, किस चीज़ का सिलसिला तदरीस का, का मैंने सिलसिला शुरू किया मर्रे कॉलेज श्यालकोट से ये उन्नीस सौ छिहत्तर की बात है तो वहाँ से मैंने लेक्चर के तौर पर सेलेक्ट हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन से तो वहाँ से आगाज़ हुआ दो तीन साल मरे कॉलेज रहा फिर दिलचस्प बात यह है कि मैं और एक लाहौर के हमारे दोस्त हैं तहसीन फिराकी तो उसमें मेरा दूसरा नंबर था सिलेक्शन में उनका पहला था उनको लाहौर दे दिया मैं लाहौर चाहता था तो उन्होंने उन्होंने कहा जी ये फ़र्स्ट ये है सेकंड आप है तो मुझे फिर सियालकोट में जगह मिली लामा इकबाल के कॉलेज में बीर असलहाल देखा लामा इकबाल की चेयर देखी मैंने वहाँ जैसे बैठ कर वो लाइब्रेरी में पढ़ते थे तो वहाँ बहुत अच्छा मेरा वक्त गुजरा और बेशुमार मेरे शागिर्द बाहर के मुल्कों में जो है वो सियालकोट के हैं ज़्यादातर तो वहाँ से फिर मैं इधर मुल्तान ट्रांसफ़र कराया प्रोफेसर साहब हमें ये बताएं कितनी तसनीफ़ आज तक आपकी शाया हो चुकी हैं पहली किताब आपकी किस साल में आई और जितनी भी आपकी तसनीफ़ है उनके नाम हमें बताए जी बुशरा अर्ज यह है कि मेरी पहली किताब तो शायरी की थी वो नात है मुसलसल और उसमें ना तजरबा है वो मुसदस हमारी एक सिनफ होती है उर्दू शायरी की उसमें वो लिखी गई है और एक ही नात है पूरी किताब में बड़ी उसकी शहरत हुई ये उन्नीस सौ अस्सी इक्यासी में छपी थी उसके बाद फिर तसानीफ का सिलसिला ज़ाहिर शुरू शुरू रहा और अर्ज यह है कि ये जो पोइट्री होती है ना ये इंसान के तखैल की आ, का करिश्मा होती है यानी तखैल की ख़लाकी है जहन तखैल किसी तरफ भी चला जाए तो चूँकि कुदरत ने ये मुझसे काम लेना था उसकी मेहरबानी होती है जिससे जो काम लेते हैं तो जैसे आप एक्सपर्ट हैं सब लोग तो टी वी के तो इसी तरह शायर भी शायर के भी पा पास भी बेपनाह खलाकी होती है अल्लाह ताली की दी हुई तो वो मुख्तलिफ़ शोबों में निकला तो मैंने मुख्तलिफ़ शोबों में काम किया है और बहुत कम शायर ऐसे हैं बहुत कम पाकिस्तान में जिन्होंने इस तरह मेरी तरह दस पंद्रह फील्डों में काम किया और अल्लाह के फजल से सारे कामयाब काम, काम किए तहकीक तनकद शायरी मजामी नगारी कालमिस्ट रहा मैं उसकी किताब भी छपी हुई है और उसके बाद फिर उसके बाद दूसरी किताब फिर मेरी आई नाइन्टी वन में उसका नाम है वो खालस ग़ज़ल का मजमु है और उस जमाने में आतिश जवान था तो वो आ, सारी शायरी जो है हम मेरी वो लव पोट्री है और उसमें बड़ा बड़ी शहरत मुझे मिली वजह यह है कि मुझे उस वक्त जंग अखबार में छपना एक बात थी बहुत कम लोग जंग अखबार में छप सकते थे तो मेरी हर वीकली कुदरत साहब होते थे वो और एडिटर वो खलील साहब तो हर वीकली जो मैगज़ीन होता था उसमें मेरी गजल छपती थी और मुझे दूर दराज से मैसेज आते थे पज़ीराई के और पसंदीदगी के वो किताब मुझे वहाँ मिली हॉस्पिटल में मेरा एक्सीडेंट हुआ था टांग का तो मैं हॉस्पिटलाइज था मेरी पूरी फैमिली थी हम कच्चे खूँ जा लाहौर जा रहे थे कच्चे खूँ में एक्सीडेंट हो गया तो मेरी बेगम भी मजरूब हुई बच्चियाँ भी बच्चे भी किसी के बाजू किसी के टांग तो एक वो तो मैं उसके बाद मुल्तान मुल्तानश्तर में रहा तीन महीने तो वहीं पर नाशर जो है वो मेरी ये किताब छप गई थी तो लेकर आया तोहफे के तौर पर इसी तरह आ, बाकी किताबें भी फिर मेरा तहकीक़ की तरफ तो जो गई तो तहकीक़ में अल्लाह का शुक्र है पर पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर मेरी किताब पांच यूनिवर्सिटियों में लगी हुई है पाँच यूनिवर्सिटियों में अदबी असलाहत लगी हुई है सलेबस के तौर पर और हज़ारों चालीस पचास हज़ार छप चुकी है वो उसकी मुझे रॉयल्टी मिलती है जाहिर है तो इसी तरह फिर तनकीद की किताबें तीन चार आई फिर शायरी के मजमू आए फिर ना, नातों के आए तो इस तरह सत्रह सोलह सत्रह किताबें मैंने अब तक लिखी हैं अब फिलासफ़ी की एक किताब मैंने भेजी हुई है आ, नेशनल बुक फाउंडेशन सरकारी इदारे को वन करीब छप कर आ रही है Sahab, आप बहुत अच्छे शायर हैं। शायरी के ऊपर आपने कितनी शायरी पर मेरी किताबें किताबे अभी हाल ही में मतलब जिसमे वो इकट्ठी तो उसमें छपी है वो किताबें इकट्ठी पांच किताबें है शायरी की किस तरह की आप शायरी करते हैं ये भी हमें बताए और अपनी किताबों के नाम भी बताए हमें और अपना कोई शेर भी हमें सुनाए जो आपने लिखा किताबें पांच मैंने जैसे अर्ज किया वो ये है कि शायरी मेरी एक तरह की जो इंसानी जज्बात हैं जो माशरे की ना हमवारियाँ हैं और ना इंसाफियाँ हैं और अदम मसावत है, है, हैं इंसानी जज्बा हैं और ना कदरी ज़माने की ना कदरी इंसान की बेतवकी ये मौजूद हैं ज़्यादा लेकिन पहली किताब और आखिरी तेरे बाद वो मेरा उसे एक्सीडेंट में एक मेरा बेटा भी फौत हुआ था दस बारह साल का तो उस पर मेरी एक किताब है तेरे बाद वो शायरी का मजमू है उसमें उसके बारे में उसके गम के बारे में सारी पोइट्री है तो मुशरे में जो कुछ हो रहा है शायर वही शायर मुआरे की आँख होता है मुशरे की आँख होता है जो कुछ उसे नज़र आता है वो आ, सिर्फ शायर बता सकता है वो तो वो शायरी में वो सारी बातें मौजूद हैं मेरी प्रोफेसर साहब हमें ये बताएं कि आप कॉलम निगारी भी करते रहे। ये सिलसिला कब शुरू हुआ और आज तक आप कितने कॉलम लिख चुके हैं ये इस तरह है कि उन्नीस में मैं सिविल कॉलेज में था तो नवाए वक्त और जंग वालों ने मुझे कहा कि आप कॉलम लिखा करें हमारे लिए उस वक्त मुल्तान में कोई अखबार नहीं था मुल्तान में एक अखबार था वो फिर बाद में नवाए वक्त आया तो उसमें मैंने कालम नगारी शुरू की उस कलम नगारी पर ये जो वुमेन यूनिवर्सिटी की एक तालबा ने एम फिल भी किया है उसी मेरे कॉलमों पर किताब भी छप चुकी है उन्नीस सौ छियासी से आ, पाँच सात साल तारीख है पूरे मुल्तान की वो उन कॉलमों में वो किताब मेरे पास यहाँ पड़ी है मैं आपको दिखाऊँगा वो आप बेचक फ़ोटो भी ले लें तो उसका नाम है मुल्तान रंग कलम का नाम था मुल्तान रंग तो वो सात साल की पूरी मुल्तान की तहजीबी और अदबी तारीख है उन कॉलों में वो छप चुका है वो कॉलम नगार जो ख़तून थी लज़िया उसने इस पर एम फिल किया इस किताब पर अब मुझे याद आ गया एम फिल से मुझ पर ग्यारह एम फिल के थीसेस मकम्मल हो चुके हैं ग्यारह तनकीद पर तहकीक पर नात पर गज़लों पर कॉलम नगारी पर मकालत पर मुशब्री पर एक पी एच डी का चल रहा है और इन शह वो जल्दी आ जाएगा मेरी अकेले का नहीं है वो उसका मौजू है वो शायर जो मसवर भी हैं उन पर पी एच डी हो रही है तो उसमें वो ये भी आ जाएगा एम फिल जो बच्चे कर रहे हैं आपके ऊपर उनका ताल्लुक मुल्तान से ही है या नहीं, बाहर नहीं, से भी ऐसे हैं मैं अर्ज़ करता हूँ तैबा यूनिवर्सिटी मानसरा हज़ारा यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी उसके कैंपस लिया कैंपस में मुल्तान में बाउद्दीन जकिया यूनिवर्सिटी के दो थीसेज ये वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान के दो थी और हज़ारा मानसेरा और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी सरगोदा यूनिवर्सिटी का एक थीसेस है मुझ पर तहकीक का तो मुख्त पूरे पाकिस्तान के की यूनिवर्सटियाँ जिन्होंने किया है मुल्तान में तीन या चार हैं जिन्होंने अब फिर किया है प्रोफेसर साहब आप मजामी भी लिखते रहे हैं जी, जी किस तरह के कि आपने मजामी लिखे और अखबार के लिए लिखे या कुछ और भी सिलसिला है? वो ये है बुशरा बीबी के मेरे मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर जमालियात से है एस्थेटिक्स से है वो शायरी हो या मुशवरी हो या गुलकारी हो गलकारी तो वैसे मैंने कभी नहीं की लेकिन मैं सुर में हूँ अल्लाह का शिक्र है मैं सुर में हूँ इनके पीछे जो इस्स्थेटिक होती है वो सब की एक ही होती है मुजस्मा साज़ी, शायरी मशव्री इनके पीछे जो नेचर ने ब्यूटी दी होती है ना पीछे जो बलब होता है वो जमालियात का होता है तो वो जमालियात तो एक ही है तो मैंने ये मज़ामीन जितने भी हैं ज़्यादातर वो अदबी मज़ामीन हैं तनकीदी अदबी और इलमी मज़ामीन हैं और वो बेशुमार छपे हैं मुख्तलफ़ अखबार में मख्तल रसायल में और इंटरनेशनल रसायल में वो सब छपे हुए हैं आप ये बताएं हमें आप एक मसविर भी हैं और बहुत अच्छे मुशविर हैं मुश्री का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सवाल मुझे कई लोगों ने कहा मेरे मैं अर्ज़ करता हूँ मेरी पोतियाँ मेरे मेरी नवासियाँ वो मैं अभी आपको उनकी पेंटिंग भी दिखाऊंगा वो दुनिया दे मैं मैं उनको बाहर नहीं ला रहा जानबूझकर इसलिए कि तालीम फिर रुक जाएगी तो मैं चाहता हूँ कि आगे बढ़ें तो उनमें भी ये टैलेंट मौजूद है मैं जब मे मैट्रिक में पढ़ता था उस वक्त के सब्जेक्ट जो थे वो ये सिक्सटीज़ की बात है नाइनटीन सिक्सटीज़ की उस वक्त मैंने मैट्रिक किया नाइनटीन सिक्सटी वन में तो उस वक्त तीन चार सब्जेक्ट ज़्यादा मकबूल थे ड्राइंग फ़ारसी अरबी और बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट तो मैंने ड्राइंग रखी हुई थी तो एक हमारे बड़ी दिलचस्प यादें आपने ताज़ा कर दी हैं वो इंडिया पाकिस्तान जब बना तो एक इंडिया का एक आदमी था टीचर दौलत सिंह वो यहीं पाकिस्तान में रह गया मुल्तान में रह गया वो हमारे ड्राइंग के टीचर थे बड़े दिलचस्प आदमी वो सिखों की तरह दाढ़ी तो नहीं थी उनकी लेकिन थे वो सिख दौलत सिंह तो वो हमें ड्राइंग पढ़ाया करते थे तो ऐसा मैं हमेशा अपनी क्लास में मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी हैं ड्राइंग में फर्स्ट आता रहा फिर सर्वस के रौले में पड़ गया लाहौर सर्वस करता रहा सेंटर मॉडल स्कूल मैंने सर्वस की बहुत लाहौर में शुरू में बी एड जब किया था कि मैंने फिर रंगों की एलिवेशन रंगों के मिजाज रंगों के टैम्परामेंट रंगों की दबाजत को समझने की कोशिश की कि रंग बीमार कब होता है रंग में टेंपरेचर कब आ जाता है रंग में कोल्डनेस कब आती है रंग में कूलनेस कब आती है ये अल्लाह का शुक्र है कुदरती तौर पर मेरे अंदर आ गया तो फिर मैंने पेंटिंग शुरू की पहले आठ दस तस्वीरें मैंने फाड़ दी उस पर मुझे एक साल लगा लेकिन मैं फाड़ दी जब मैं अपने आप को देखा कि किसी काबल हो गया और तस्वीर रख कर मैंने बच्चों को अपने आप को जब देखा तो मुझे लगा कि इसमें कोई वाकई मुसवरी का कोई देवता इसके अंदर आ चुका है अब तो अब मैं इस काबुल के मैं इसे दिखा सकूँ दो हज़ार बारह में आर्ट्स कौंसिल के ऊपर मेरी नुमाइश हुई और बहुत मुल्तान के लोग बड़े बड़ी मेहरबानी उन्होंने की बहुत लोग आए फिर एक मेरी नुमाइश हुई ये चैम्बर ऑफ कामर्स में उन्नीस दो हज़ार सत्रह में उसमें कैनेडा के सफ़ीर ने उसका इफ्ताह किया कॉल्डवुड बैरी ने कॉल्डवुड बैरी ने दो हज़ार सत्रह में मेरी नुमाइश का अफ्ताह किया और बड़ा धूम मची किया यकदम एक शायर शायर जो है वो शायर तो रोमांस होते हैं ना सारे वो हाथों वाला काम तो करते ही नहीं <laughs> तो वो बड़ा एक रौला मचा के जी इतना शानदार शायर अदीब ये यकदम मुशवरी में ऐसे-ऐसे पेंटिंग की तो ये भी मेरी बनी हुई है ये सामने लगी हुई है आपके तो ये भी मेरी बनी हुई है तो इस तरह फिर चलता चलते अब तक मैं वो कर रहा हूँ प्रोफेसर साहब हमें ये बताएं कोई खास स्टाइल है जिसमें आप पेंटिंग करते हैं और कौन सा मीडिया अंदर अच्छा आप सोचों आप के खुद मेरा बहुत लायक और बहुत समझदार मुशवरा है मुझे पता है आपके बारे में और आपके उस्ताद मेरे हैं मसूद साहब आपके जो कॉलेज में थे मेरे शागिद तो मुझे पता है आप इन चीज़ों को समझती हैं बहुत अच्छी तरह और बड़ी मैंने ज़्यादा काम मेरा जो है पेंटिंग में वो है एपस्ट्रैक्शन में लेकिन मैंने एक एब्स्ट्रैक्शन के अलावा रियलिज़म पर भी काम किया है रियलिज़म की मेरी आठ दस तस्वीर हैं एब्सट्रेक्शन में ज़्यादा हैं मैं रंगों के स्ट्रोक्स और मैं ऑयल ऑयल को इस्तेमाल कर मीडियम मेरा ऑयल है ऑयल मेरा मीडियम है और कैनवस प्लस कार्ड ये दोनों मेरे मीडियम में आते हैं कार्ड भी कैनवस भी और ऑयल मैंने वाटर पे वाटर कलर आज तक इस्तेमाल नहीं किया पता नहीं मेरी नफसियात है कुछ या जहन के अंदर कोई खौफ है कुछ ना कुछ है मैंने कोशिश की कि मैं वाटर के साथ कुछ काम करूं लेकिन ये कोई नफ्सियात ही होती है इंसान की कि नहीं मुझे मज़ा नहीं आया मैंने फिर ऑयल में आ गया इतने सारे चीज़ों में से आपने सिर्फ एब्सट्रैक्शन को ही क्यों अपनाया इसकी कोई ख़ास वजह है जी इसकी बहुत अहम वजह है वो मैं समझता हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिलासफ़ी साइकोलॉजी रहा है सारी जिंदगी ये मास्टर बेशक मैंने एजुकेशन और उर्दू में किया है लेकिन मेरी स्टडी ज़्यादातर जो पर्सनल स्टडी है वो फलासफी और साइकोलॉजी की है एब्रैक्शन को चूज़ करने का बुनियादी मेरा जहन ये था कि एब्सट्रकशन में वो चीज़ बेहद उसकी कोई हद हिसाब नहीं होती उसका कोई शुमार नहीं होता उसकी कोई लेंथ और विड्थ नहीं होती एब्सट्रैक्शन में एब्सट्रैक्शन लामहदूद चीज़ है क्योंकि उसका ताल्लुक व्यूअर के देखने वाले की नज़र की वसत पर है वो उसको आसमान तक भी ले जा सकता है क्योंकि मसलन मैं एक रियल तस्वीर बनाता हूँ फिगर्स की फिगर्स की मैं बनाता हूँ आप खुद है। फिगर बनाता हूँ तो इंसानी जहन जो देखने वाला वो उसी के नाक आँख तक ही रहेगा उसकी जो शेप है उसी तक रहेगा लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में तो वो कायनात अपने तखैल में लाएगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन में मैंने शक्ल थोड़ी बनानी है एक सिम्बल और एक इशारा देना है उससे इंसान जो है वो दूसरा इंसान पहचानेगा कि ये किस किस्म का आदमी है जिसके अंदर जज्बात भी हैं ख्यालात भी हैं वो मुस्करा भी रहा है वो रो भी रहा है वो कप कपा भी रहा है उसके अंदर खौफ भी नज़र आ रहा है उसकी तस्वीर में तस्वीर तो वही है जिसमें आप बहुत वसी कैनवास दिखा सकें रियलिज्म में आपको ये सहूलत हासिल नहीं है रियलिज्म कौन लोग करते हैं रियलिज्म वो लोग करते हैं जो पोर्ट्रेट मेकर होते हैं फ्रेंकली जो सिर्फ पोर्ट्रेट बना सकते हैं तो जैसे ये मेरी बनी हुई है किसी दोस्त से बनाई हुई है अभी आपके सामने है तो एब्रैक्शन लामहदूद मौजुआत रखती है उसमें कोई मतलब है वो नहीं है क्योंकि उसमें होते हैं इशारे रियल चीज़ कोई नहीं होती इशारों से वीअर ने देखने वाले ने समझना कि इसमें क्या है लिहाजा एक देखने वाला कुछ समझेगा एक देखने वाला कुछ है एक देखने वाला कुछ है। और ये ऐसे ही है जैसे गालब की शायरी है मुख्तलफ़ उसकी तश्रियात हैं प्रोफेसर साहब हमें ये बताएं कि आपका इतना बड़ा फ़न है आप खुद आपकी ज़ात एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है तो आपके बच्चों में से कोई है ऐसा जिसमें ये फ़न मुंतकिल हुआ आ, बहुत अच्छा सवाल है और ये लाजमी होना चाहिए था मेरे सारे बच्चों में एस्थेटिक बेानतहा है तमाम को पाँच पाँच सौ चार चार सौ शेर याद है सही याद है मैं समझता हूँ एक दफ़ा मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान लेने गया मैं रहा हूँ मेंबर सिलेक्शन कमेटी का तो इम्तहान लेने गया सिलेक्शन में ये जो प्रोफेसर बनते हैं उनका तो मैं जो कैंडिडेट आता आया एक मैं सवाल करता था कि बेटा आप इस तरह करें आप गालब का एक शेर सुना दें अब अक्सरियत उनमें से गालब का शेर सही नहीं सुना सके सही तलफ़ के साथ और सही इजाफ़तों के साथ ज़बरों ज़ेरों के साथ तो मैं समझता हूँ कि मेरे बच्चों में पाँच पाँच चार चार सात सात सौ शेर उनको ज़बानी याद है मेरी आधी से ज़्यादा पोइट्री उनको याद है और उनमें टेलेंट बेपनाह है लेकिन मैंने जानबूझकर कर खुद कोशिश की कि पहले चंद साल वो इस तरफ ना आए ताकि अपनी तालीम मुकम्मल करें आपके अंदर इतना टैलेंट मौजूद है तो घर वालों को शौक़ था आपको पढ़ाने का या आप खुद इस फील्ड की तरफ आए और मेहनत की आपने। बहुत शानदार और बड़ा यादगार सवाल है हम रेफ्यूजी हैं अमृतसर से कुछ मेरी फैमिली लाहौर में अब भी है मेरे कज़न सारे लाहौर में हैं और हम लोग मेरे वाल साहब टीचर थे जब पार्टीशन हुई उन्नीस को उस वक्त मैं चार पाँच महीने का था तो मुझे उठाकर मार ले आई यहाँ मैं आया नहीं लाया गया समझने <laughs> तो वो उस वक्त बेपनाह गुरबत थी एक गुर्बत होती है एक बेपनाह होती है बेपनाह गर्बत थी यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए थे वालद साहब ईयीफ थे रिटायर्ड हो चुके थे जब हम आए तो और इब्तदाई दिनों में फोतों हो चुके थे और इसी तरह वालदा भी जयीफ थी मैं अपने माँ बाप का आखिरी बेटा हूँ मतलब अपनी बहन भाइयों में सबसे आखिरी अकेला ही हूँ बाकी बहनें भी जा चुकी हैं भाई भी जा चुके हैं वालद वालदा तो पहले चले तो उस वक्त बेपनाह गुरबत थी लफ्ज़ बेपनाह मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि कुछ भी नहीं था खाने को और मैंने प्राइमरी स्कूल बड़ी ही मुश्किल से उस वक्त तालीम बहुत सस्ती थी एक आना माँ देती थी और सारा दिन गुजार लेते थे उसमें स्याही भी लेते थे कलम भी बनाते थे वगैरह वगैरह मुस्तैसन ख़याल साहब आप प्रोफेसर अनवर जमाल साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं क्या कहेंगे उनके बारे में अनवर जमाल साहब की अगर अदबी शख्सियत देखी जाए तो बहुत पहलू हैं वो शायर हैं अदीब हैं नसर में भी कई बहुत सारे अशनाफ के वो माहिर हैं नज में भी वो बहुत अली दर्जे के शायर हैं फ़लसफ़ी हैं अच्छा फिर इसके साथ साथ फ़न लतीफा में दूसरी तरफ आए तो वो बहुत अच्छे तस्वीर मुशविर हैं और तस्वीरें भी वो जिसमें जो आदमी देखे जो जैसा हो वो वैसा समझे ये इनके ये बहुत सारे इनके तख्लीकी हिसाब से देखा जाए बहुत सारे पहलू हैं शख्सी हिसाब से देखा जाए एक ही पहलू है और वो है मोहब्बत हम जब से इनसे मिले हैं ना इनकी मोहब्बत के असीर हो गए हैं मैं 88 में मुल्तान ट्रांसफ़र होकर आया हूँ मेरी नबे मुलाकात हुई और फिर इस इनकी अजमत ये है कि ये अपनी ये खपत अजमत का शिकार नहीं ये अपने इल्म से अपने मालूम से अपनी शायरी से दूसरे को जेरे बार नहीं करते मोहब्बत देते हैं शफकत से पेश आते हैं और तीसरी बात वो ये कि सेल्फ मेड है ना अपना आप कभी छुपाया इन्होंने ये वहाँ से चले स्कूल टीचर से और मुल्तान के दूसरा नंबर जो सबसे बड़ा कॉलेज उसके प्रिंसिपल शिप से रिटायर हुए और तख्लीक सरगर्मियाँ भी जारी रहीं खाका लिखा है तो खाके में ऐसे रंग भरे हैं कि उस खाक को आसमान पर पहुँचा दिए इन्होंने शेर कहा है अब हम मुसदस हाली पढ़ते थे नात में उसके बाद इकबाल की मुसदस पढ़ी मुसदस एक मुश्किल सिंफ है इकबाल की मुसदस शिकवा जो आशवा पढ़ी उसके बाद मुसदस लिखना बहुत मुश्किल बहुत कम लिखा गया जो आता हाइको की तरफ के तीन मिसरे हैं हम लिख लेंगे जी लेकिन इन्होंने नात में मुसदस मुसदस में नात लिखी फिर इनके लौला कलमा जो नात की किताब है और अभी कुछ अर्सा पहले आ, इनकी किताब गले सर सब आई और अब आम आदमी जो है कम पढ़ा लिखा तो उसकी इंतहाओं तक उसके मफाहिम तक उसके मानी तक भी नहीं पहुंच सकता गले प्रोफेसर शमीम जमाल साहिबा आप अनवर जमाल साहब की बेटी हैं साहबजादी हैं तो आप क्या कहेंगे आपने अनवर जमाल साहब को कैसा वालिद पाया किस तरह उनको बयान करेंगे कुछ जी बाहसीत इंसान के तो वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं और बासीत वालद के अगर देखा जाए तो मेरे लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं इतने बड़े अजीम और इतने कदावर शख्सियत की बेटी हूँ और मेरे लिए जो है वो माशरे में जब मैं उनके नाम से पहचानी जाती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा मुझे एहसास तफाकुर होता है और बड़ी खुशी होती है कि मैं इतनी अजीम शख्सियत की बेटी हूँ आपने अपने वाल को कैसा वालिद पाया देखें जो वालिद मेरे हैं क्योंकि मेरी वालिदा जो हैं वो एक घरेलू खातून हैं और बहुत सीधी सादी लेकिन जो मेरे वाली साहब हैं आप जानते हैं कि उनकी शख्सियत के बारे में तो उन्होंने हमें बासीत एक वालिद और वालिदा दोनों की सूरत में हमें पाला उन्होंने हमारी परवरिश और तरबियत में दोनों का किरदार अदा किया और जैसा कि मैं इसकी मिसाल ऐसे दे सकती हूँ कि जैसे एक माली होता है वो पौधों की परवरिश और पर्दाफ़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उसकी जो है वो कांट छाँट भी करनी पड़ती है तो मेरे वाली साहब जो हैं वो थोड़ा सख्ती का मुजाहरा भी कर लेते हैं लेकिन ये है कि चूंकि वो एक शायर हैं और बहुत हसास इंसान हैं तो उनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हसासीत का मादा पाया जाता है और वो किसी की इज़्ज़त नफ्स पर हरगज़ कम्प्रोमाइज नहीं करते और वो बहुत ज़्यादा शफीक मेहरबान और खलीक हैं बासीयत एक वालिद के वालिद साहब की पर्सनालिटी आपके सामने मौजूद है एक बहुत बड़ी शख्सियत बहुत बड़ा नाम उनके मौजूद होते हुए अपना एक नाम बनाना कैसा रहा आपके लिए ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बहुत मुश्किल मेरा नाम तो है ही नहीं मैं तो उनकी शख्सियत को देख कर, तो मुझे अक्सर मैं एक शेर जो है वो मेरे जहन में आता है जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी तो वो शेर ये है कि पाते हैं कुछ गुलाब चट्टानों में परवरिश पाते हैं कुछ गुलाब चटानों में परवरिश आती है पत्थरों से खुशबू कभी कभी तो उनकी शख्सियत जो है वो जिस तरह से अपने माहौल और अपने जो है वो गुर्बत में जैसा कि उन्होंने सारा बताया तो उनकी शख्सियत को देखकर अपना नाम पैदा करना तो आप यूँ समझें कि सूरज को जो है वो चिराग दिखाने के मुतरद हैं उनकी तरफ से ज़ोर था कि इतनी तालीम हासिल करें या ख़ुद उनको देख कर शौक़ हुआ कि हमने भी इसी तरह बनना है जैसे हमारे वालिद हैं नहीं उन्होंने तरबियत ही हमारी ऐसी की कि शेर व अदब और लिटरेचर जो है वो चूँकि हमारी या जीन्स में है और हमारे अंदर भी थोड़े से जरासीम जो हैं वो पाए जाते हैं तो उनकी तरबियत का ही असर है कि आज हम इस मकाम पर खड़े हैं प्रोफेसर साहब आप अपने वालिद साहब के चंद अशार या कोई नज़म हमें सुनाएं जो उनके अपने हों। मैं अपने वालिद साहब के चंद अशार आपको सुनाती हूँ कि बिछड़ रहे हैं तो मिलने की आस क्या रखना बिछड़ रहे हैं तो मिलने की आस क्या रखना हवा पे जलते दियों की असास् क्या रखना क़याम हो तो ज़रूरी है सीमो ज़र लेकिन क़याम हो तो ज़रूरी है सीमो ज़र लेकिन मुसाफरत में ये गंदुम कपास क्या रखना बस इस ख्याल से आँसू छुपा लिए हमने बस इस ख़याल से आँसू छुपा लिए हमने उदास रह के किसी को उदास क्या रखना बहुत ख़ूबसूरत शेर बहुत ख़ूबसूरत अल्फाज मुझे बताया है, नूर इसके पास भी काम मौजूद है पेंटिंग्स का तो इसके बारे में हमें बताएं कुछ आप ये मेरी नवासी है बड़ी टैलेंटेड है और बहुत मैं इसे कहता होता हूँ कि इसके अंदर बहुत बड़ा आर्टिस्ट है तो मुझे भी बनाते हुए देखती आती जाती रहती है ना यहाँ रहते तो परे हैं बाहर तो इन्होंने ये कुछ पेंटिंग बनाई हुई है मुझे बड़ी पसंद आई है कि इस उम्र में ये टैलेंट इनमें मौजूद है बाकी ये खुद ही बताएगी आपको ये मेरी कैलीग्राफी है ये मैंने बनाई है और इसमें मैंने एक कलर यूज़ किए हैं नाना अब को देख देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है और आप ये देखें बहुत खूबसूरत काम है आपका आपने अपने नाना का आर्ट अपने अंदर मुंतकिल कर लिया है माशाल्लाह हाँ जी ये, ये मेरी दूसरी पेंटिंग और इसी तरह मुझे नेचर का भी बहुत ज़्यादा शौक है नेचर को भी मैं पेंट करती हूँ ये सारी मैंने नेचर के अकॉर्डिंग बनाई है बहुत खूबसूरत एक झलक नजर आती है अनवर जमाल साहब की आपके अंदर बचपन से उनसे उन रजी उद्दीन रजी साहब क्या कहेंगे उनकी शख्सियत के हवाले से देखिए जी उनकी शख्सियत तो बहुत बड़ी शख्सियत है और मेरी क्या है के उनके बारे में बात करूं मैं अनवर जमाल साहब के साथ आ, मेरा ताल्लुक जो है वो 1980 से है अब आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि वो ज़माना था जब मैं कॉलेज में गया था और मैं फ़र्स्ट ईयर का तलब इलम था और मेरा रोल नंबर टू फाइव सेवन था और अनवर जमाल साहब मुझे रोल नंबर टू फाइव सेवन के तौर पर जानते थे और फिर वो ज़माना था कि उसमें आ, हम अभी लिखना पढ़ना हमने शुरू किया था फिर अनवर जमाल साहब के साथ कॉलेज के ज़माने में हमें बहुत शौक़ ज़ाहिर है अनवर जमाल साहब जब पढ़ाते थे मुझे दो पीरियड बहुत अच्छे लगते थे एक अनवर जमाल साहब का एक मुबारिक मजोका साहब का मुबारिक मजोका साहब इंग्लिश पढ़ाते थे और अनवर जमाल साहब हमें उर्दू हम प्रोक्सियाँ भी बोलते थे हम किसी बहाने से अनवर जमाल साहब के कॉलम देने के लिए भी अखबार के दफ्तर में जाते थे मेरे साथ शाकिर हुसैन शाकिर होते थे हम दोनों क्लास फैलो थे और वन फाइव वन उनका रोल नंबर था टू फाइव सेवन मेरा रोल नंबर था सो so, अनवर जमाल साहब के साथ उस ज़माने से जब ताल्लुक़ बना तो फिर मैंने मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा मैंने इन्हें मैंने इनसे ये सीखा कि नामसाइद हालात में भी आपने कैसे अपने आप को रखना है आपने अपने आप को एवरग्रीन रखना है बहुत सारे इनके साथ मसायल भी हुए हादसा भी हुए लेकिन अनवर जमाल साहब ने बहुत जुर्रत और हिम्मत और बहादुरी के साथ फिर उनकी शायरी है ए कासम अशिया तेरी तकसीम अजब है जैसा शेर और वो उस ज़माने में ही वो शेर जो है वो जबान आम हो गया था फिर इनकी आ, मुझे आ, याद है मैं संगे मीर अखबार में मैंने इनकी एक नज़्म फिर मैंने इनके स्कीचेस छापे इनसे मजामी लिखवाए इन अखबार में इनके साथ खुद कहा कि जी आप फलां चीज़ लिख के दें सो अनवर जमाल साहब के साथ ये फिर हमारी अदबी बैठक जब शुरू हुई आ, इनके फिर एक शख्सियत का एक और पहलू आया और उन्होंने मुसवरी शुरू कर दी लसानियात के हवाले से इनके अदबी असलाहत के बारे में उनकी किताबें मौजूद हैं हिस्ट्री पर आप बात कर लें आप जिस मौजू पर बात करें अनवर जमाल साहब से तो वो एक जहान आबाद है लफ्ज़ों का मानी का और वो जैसे कहते हैं ना कि वो कहे और सुना करे कोई सो वो बोलते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं सो उनके बारे में तो आप जितना भी कहेंगे मेरे लिए बात करना कम होगा अनवर जमाल साहब यह आपका स्टडी रूम है यहाँ आप बैठ कर पढ़ते और लिखते हैं जी ये स्टडी रूम है ये यहीं पर मुझे थॉट आते हैं क्योंकि घर में जाहिर है बच्चे पोते पोतियाँ भी होते हैं शोर मोर होता है तो मैं अपनी जब मेरे अंदर स्ट्रेस पैदा होता है इनर स्ट्रेस तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे थोड़ा सा हट कर यहाँ आकर बैठ कर किताबें देख ली रेफरेंस देख लिया कोई मतलब है कोई उसकी रेफरेंस देना होता बुक्स का या अगर शायरी करनी है तो यहाँ आराम से बैठ कर मैं शायरी कर लेता हूँ और यही मेरा ड्राइंग रूम है यही मेरी कायनात है यही मेरी किताबें हैं यही मेरा सब कुछ है अनवर जमाल साहब अपनी शायरी के कलाम में से हमें कुछ सुनाए। जी जी मैं पेश करता हूँ एक गज़ल आपको पेश कर रहा हूँ अर्ज़ किया है कि अपना कोई अंदाज नज़र ही नहीं रखते अपना कोई अंदाज नज़र ही नहीं रखते रह रो हैं मगर रखते सफ़र ही नहीं रखते अपना कोई अंदाज नज़र ही नहीं रखते रह रो हैं मगर रखते सफ़र ही नहीं रखते कासम अशिया तेरी तकसीम अजब है ऐ कासम अशिया तेरी तकसीम अजब है दस्तार उन्हें दी है जो सर ही नहीं रखते और इस शहर से क्या रखिए के जहाँ लोग इस शहर से क्या रखिए के जहाँ लोग जज्बों को परखने पर का हुनर ही नहीं रखते और कहा है कि बेखौफ हमें छोड़ दे आज़ाद फ़ा में बेखौफ़ हमें छोड़ दे आज़ाद फजा में हम ऐसे परिंदे हैं कि पर ही नहीं रखते बेखौफ हमें छोड़ दे आज़ाद फजा में हम ऐसे परिंदे हैं कि पर ही नहीं रखते और इन पेड़ों पे क्या संग जनी कीजिए अनवर इन पेड़ों पे क्या संग जनी कीजिए अनवर ये ऐसे शजर हैं जो समर ही नहीं रखते बहुत खूब बहुत खूब प्रोफेसर साहब आपकी खूबी मुसवरी भी है तो हमें पेंटिंग के हवाले से कुछ बताएं आप हाँ जी बिशरा बात यह है कि मैंने जैसे बताया आपको कि पेंटिंग मेरा शोभा रहा है कोई पिछले पंद्रह दस पंद्रह साल से तो उसमें मैंने ज़्यादा कोशिश की है कि एब्स्ट्रेक्शन में काम करूँ एब्सट्रैक्शन के मुतकबल जो चीज़ है मुकाबले में वो है रियलिज़म तो रियलिज़म और एब्सट्रैक्शन में मैंने चॉइस किया एब्सट्रेक्शन को चाहे मेरी कुछ तस्वीरें कुछ पेंटिंग मेरी जो है वो रियलिज़म में भी है लेकिन मैं पोर्ट्रेट नहीं बना सकता किसी का फिगर्स फिगर्स के मैं ख़िलाफ़ हूँ वैसे ही जतीी तौर पर जो बड़ी बहुत बड़ी पेंटिंग का एक शोबा है और बड़ी मूवमेंट है वो पेंटिंग में लेकिन मैंने एब्स्ट्रैक्शन को चूज़ किया वजह यह है कि मुझे एब्सट्रैक्शन में कशिश इसलिए है कि एब्रैक्शन में तखैल की जो है ना खल और दूसरे के तखिल की करश्म साजी वो व्यूअर की आँख में होती है कि वो इसको क्या लेता है लेकिन ये जो मेरी पेंटिंग है ये दरअसल वंडर्स सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है यानी दुनिया के सात अजायबात में से ये ऑस्ट्रेलिया का एक पहाड़ है जिसे मैंने एक जगह पढ़ा था तो मैंने कोशिश की है इसको पेंट करने की अपने तखयल और अपने इमेजिनेशन से उसमें मैंने ये इसमें मैंने तो क्या कमाल कुदरत की नेचर की तरफ से जो मुझे मतलब गिफ्ट दिया गया है तो आप इसे देखें ना हाथ लगा कर तो इसमें आपको पूरा ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ है उभरे हुए हर चीज़ है और पथरीला सा है हाथ जब लगाएंगे पथरीला है ये इसमें कुदरती पानी जो है ना वो कतरा कतरा गिरता रहता है पेंटिंग में और और ये एक का गदला सा पानी उसके अंदर आ गया है जो ऊपर पहाड़ है आप देखें कि नेचर का ये कितना खूबसूरत अक्स है कि इसको जब आप विजुअलाइज़ करेंगे ना जब इसको अपने इमेजिनेशन में लाएंगे तो आपको एक अजीब रूहानी सी कैफियत आपके अंदर पैदा हो जाएगी नाजरीन ये थी साइड मेहमान शख्सियत प्रोफेसर अरवन जमाल जो बहु शायर मुसनिफ़ अदीब कलम निगार मुसविर हैं असा इन्होंल मुहार की इन्होंने दोस्तों फैमिली तारुफ करवाया उम्मीद है ताकि प्रोग्राम पसंद आया है अगले प्रोग्राम असा थोड़ा तारुफ किसी नई शख्सियत नाल वेसू जदों तक अपनी मेज़बान बुशरा सिमाब को इजाज़त दो ते अपना बहुत ख्याल रखो अल्लाह हाफिज